अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है सबका? सब ठीक ठाक खैरियत से हैं? तो वैसे तो मैंने जो व्लॉग है वो कल ख़त्म कर दिया था, यानी कि मेरा कोई इस तरह का प्लान नहीं था कि मैं अब दोबारा से इसी साल के अंदर व्लॉग अपलोड करूं। लेकिन आज क्योंकि मौसम जो है ना सियालकोट का बहुत ठंडा था, तो अभी मैं और जो मेरा फ्रेंड है बासित और आदिल जो है वो अभी पहुँच रहे हैं जहाँ हम जा रहे हैं। तो मैं और मेरा फ्रेंड बासित जो है ये अब हम जा रहे हैं सियालकोट में टेक अवेज पे, और वहाँ से हम थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट करेंगे क्योंकि आज का जो मौसम है वो बहुत खूबसूरत है और बहुत ठंडा है, तो इस तरह के मौसम में तो चलो हल्का फुल्का जो है वो चल जाता है। तो अभी जो है हम लोग जा रहे हैं टेक अवेज की तरफ, और ये आप देख सकते हैं कि रास्ते में कितनी फॉग है, और ये दिन का टाइम हालांकि इससे डबल फॉग थी। तो मैं बड़ा हैरान हूँ कि सुबह के टाइम जो है वो फॉग ज़्यादा थी और जब शाम हुई है तब फॉग कम हो गई है, और अब तकरीबन 11:30 हुए हैं और फॉग जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है। तो मौसम की जो सूरत हाल है वो ऐसी है कि सियालकोट के अंदर मेरा ख्याल है कि जिस तरह की सर्दी है पड़ी है ना पिछले कोई 1 से 2 हफ्ते के अंदर, इस तरह की सर्दी तकरीबन जो है मैंने पिछले 3-4 साल में नहीं देखी। इस दफ़ा सर्दी ने बहुत बेतहाशा हद की है, और सिर्फ सियालकोट में नहीं बल्कि लाहौर में भी बहुत सर्दी थी इस दफ़ा, बल्कि है अभी भी। तो ये है कि समझ से बाहर है कि इतनी सर्दी अचानक से किस तरह जो है वो आ गई है। खैर अभी हम जा रहे हैं टेक अवेज, और जो कि टेक अवेज की सियालकोट में 2 ब्रांचेस हैं, अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं जो कि यहाँ पर है वेलफेयर शॉप के पास है, उसको हम आज विज़िट करेंगे। तो लिहाजा अभी हम वहाँ पहुँच के ही जो है आपसे मज़ीद बात करेंगे। जी आप कुछ उन्होंने कुछ काफ़ी सारी चेंजिंग की अंदर? हाँ, वहाँ पे बेसिकली काफ़ी जो है ना वो रेनोवेशन हुई है वहाँ पे, और टेस्ट जो है उनका पहले से भी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। अब काफ़ी कुछ इम्प्रूव हुआ, काफ़ी उन्होंने काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव की हैं अपनी। तो ये है कि आज हम उनको विज़िट करेंगे और देखेंगे कि वहाँ पर क्या कुछ जो है वो इम्प्रूवमेंट्स आई हैं। तो वहाँ पहुँच के फिर आपसे मज़ीद बात करें। तो जी अभी जो है हम टेक अवेज पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे काफ़ी सारी जो है वो चेंजेस हुई हैं, और ये आदिल भाई आ रहे हैं अपनी सोई सूरत लेके, और अभी कंफर्म नहीं है कि हम अंदर बैठेंगे या बाहर बैठेंगे, क्योंकि मौसम जो है ना वो तो बाहर बैठने वाला ही है, लेकिन जो सेहत है वो बाहर बैठने वाली नहीं है। तो लिहाजा हम बैठ के डिसाइड करते हैं कि हमने कहाँ बैठना है, तो फिर आपसे आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो इन्होंने फ्लोरिंग भी न्यू की है, वॉल्स पर टाइल्स भी न्यू लगाई हैं, और यहाँ पे 2 इन्होंने बनाए हैं, एक जेंट्स के लिए और एक लेडीज़ के लिए, फैमिलीज़ के लिए। लेकिन अभी क्योंकि यहाँ पे कोई है नहीं तो हम अंदर जा सकते हैं। अच्छा, अंदर डोर खोल, ये जी इनका न्यू सेटअप है, दरवाज़े को तेल देने की ज़रूरत है, और ये जी इनका मेन्यू कार्ड है। और पहले हमने जिंगर रोल किया था लेकिन वो अवेलेबल नहीं था, तो हमने 2 पराठा रोल्स किए हैं, 2 पिज्ज़ाज़ किए हैं। फ्लेवर जो है वो आदिल भाई को पता है कौन सा फ्लेवर है। उसके अलावा 2 जो है, क्या है 2 और क्या है, चपली बर्गर, फिश बर्गर्स जो है वो 2 हैं, और इसके अलावा चिकन विंग्स भी हैं किए हैं, और बस जी चलो शुक्र है कि इनकी जाना बस हो गई है। तो लिहाजा हाँ, कोल्ड ड्रिंक तो सारी बात है वो तो चलती हैं, तो लिहाजा अब खाना जब आएगा तो फिर आपसे मज़ीद जो है वो बात करेंगे। आज अभी जो है हम खाने का वेट कर रहे हैं, और जो हमारे बासित भाई हैं ये वाले, ये जो है ना आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बासित भाई, हमारे व्यूअर्स आपकी बात सुनना चाह रहे हैं, आपकी आवाज़ सुनना चाह रहे हैं, और मैं आप लोग को एक नए साल का नया तोहफा दे लगूँ सारे वीडियो सेंड करते, और हमजा भाई आपको थोड़ी सी यार शर्म होनी चाहिए कि नया साल आने वाला है तो आप कैसी कैसी वीडियो भेज रहे हैं। ठीक है, मैं डाल दूंगा बीच में,
सो गाइस अभी जो है वो टाइम तकरीबन 11:53 हो चुके हैं और 30th जो है वो आज ख़त्म हो जाएगी 6-7 मिनट्स में और फिर शुरू होगी 31st जो कि 2019 का लास्ट डे होगा और उसके बाद फिर एक नया साल शुरू होगा। तो अभी फ़िलहाल अभी के लिए हम लोग जो ऑर्डर है उसका वेट कर रहे हैं। जब तक ऑर्डर नहीं आता उतनी देर तक के लिए हम कोई और गुफ्तगु आपसे कर रहे हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं सब? हैरियत से हैं। अभी इस टाइम 11:30 हो चुके हैं, 11:54 हो चुके हैं, 11:54 हो चुके हैं। इस टाइम जो है रोडें सुनसान हैं, काफ़ी धुंध बहुत ज़्यादा है। दोबारा और धुंध धुंध बहुत ज़्यादा है और इस टाइम आप यकीन करें इतनी के ठंड हो चुकी है कि फोन आ चुका है कि बेटा घर आ जाओ। हेलो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। जैसा कि भी आप देख रहे हैं आजकल कितनी ठंड है, बहुत ज़्यादा, कि आप हीटर के आगे अगर बैठते हैं ना तो आपका दिल नहीं करेगा कि आप उठें। बाइक चला रहे हो इतनी ठंड लगती है जिसका हिसाब नहीं। और जो कि हरेरा भाई हैं हमारे, वो दिन हो या रात हो इतनी मेहनत करते हैं, दिल लगा के मेहनत करते हैं जिसका बस दही देखें मेहनत में अजमत है। बिल्कुल, देखें अभी इन्होंने हरेरा भाई ने कैसी बात किया कि मेहनत में अजमत है। ठीक है, और अजमत ये आदिल भाई ने देखे कैसी छेड़ानी वाली बात कर दी है, हरेरा भाई को छेड़ने वाली बात की है। और सुबह देखें आप, कल रात को कोई धुंध नहीं थी। सुबह जब उठाऊ मैं तकरीबन 8 बजे उठाऊ, 9 बजे मैं घर से निकलूँ तो बहुत ज़्यादा धुंध हुई हुई थी 9 बजे। ठीक है, उसके बाद धुंध तकरीबन पूरा दिन रही है। नहीं नहीं, कम हो गई थी, कम हो गई थी लेकिन पूरा दिन धुंध रही, कम हो गई थी। मैं बाजार गया था ना तकरीबन कोई 3-4 बजे धुंध थी, लेकिन अभी देखें आप इस टाइम कितनी धुंध रही है कि आगे आपको गाड़ी नहीं नजर आएगी, बाइक कोई चीज़ नहीं नजर आएगी। ये भी तो कम ही है, ज़्यादा है, कम है अभी तो। दोबारा बोल। सो गाइस अभी जो है ये 2 पराठे रोल आ चुके हैं जो के मेरा और बासित भाई का है। और ये भाई हमारी शक्ल देखेंगे, वैसे इनका भरोसा कोई नहीं कि ये जो है इसी पर टूट पड़े। मेरा भी आ गया सुन, जो है वो मजीद जो है वो चीज़ें सो गाइस अभी पिज्ज़ास और 2 पराठा रोल आ चुके हैं, अभी मज़ीद हमारे विंग्स जो हैं वो रहते हैं। तो अब क्योंकि खाना सामने पड़ा है गरम गरम है और भूख भी लगी हुई है तो हम खा लें तो फिर आपसे बात करें। अभी ये हाफ पिज्ज़ा खाने के बाद जो आदिल हमारे भाई हैं अब ये खाने लगे हैं ज़िस्ट बर्गर, फिश बर्गर जो है वो खाने लगे हैं। माशाल्लाह इनकी जो सेहत है वो बहुत ही लाजवाब है माशाल्लाह। ये है कि काफ़ी शौक से खाने वाले बंदे हैं, ये खुशी से खाते हैं और शौक से खाते हैं। ये शौक में खाना ठीक है, बहरहाल हमारा जो व्यूवर्स हैं उनको पता ही है, कभी जो है ना ये खाने में शर्माए नहीं, ना ही कभी इन्होंने रुकावट रखी है। और एक और बहरहाल है जो पिज्ज़ा है उसका टेस्ट बहुत अच्छा था, पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट है और देखने में भी अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छा है।
ये जनाब इन्होंने बिस्मिल्ला कर दिया फ़िश बर्गर की। तो खाने का जो रिव्यू है वो हम आपको इंशाल्लाह खा के सब कुछ ख़त्म करके तब देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह खाना हम खा चुके हैं और अब हम जो हैं वो घर को जा रहे हैं वापसी, और रास्ते में जो है वो आपको टेस्ट बताते जाएंगे। तो जी अभी बासित भाई जो हैं वो जा रहे हैं, तो ठीक है बासित भाई, ओके अल्लाह, क्योंकि हमने जाना है कैंट की साइड पे और बासित भाई ने जाना है अपोजिट साइड पे, तो इसलिए जो है अब हम घर को वापस निकलेंगे। तो टेस्ट जो है हमने ऑर्डर किया था, क्या क्या किया था, एक पिज्ज़ा, दो पिज्ज़ाज थे, दो थे पराठा रोल्स, उसके अलावा और क्या था, एक फ़िश बर्गर था। तो विंग्स तो नहीं, विंग्स तो हमारे हाँ कैंसिल हो गए थे ना, विंग्स तो थे नहीं। तो ये है कि पिज्ज़ा जो है उसकी क्वालिटी पहले से काफ़ी बेहतर थी, फ़िश बर्गर जो है वो भी अच्छा था, मतलब 10 में से कह लेंगे 6-7 था, और जो उनका था पराठा रोल वो भी अच्छा था। तो ये है कि इनकी ज़रा जो सर्विस है वो भी थोड़ी सी क्विक है और घर से भी नज़दीक पड़ता है हमें, तो अगर हमने कोई क्विक ऑर्डर करना हो तो हम इनको हमेशा रेकमेंड करते हैं, क्योंकि इनकी ज़रा क्वालिटी भी अच्छी है और जो चीज़ें हैं वो ज़रा जल्दी से आ जाती हैं, क्योंकि हमारा जो घर है वो इससे तकरीबन कह लें कि 3-4 मिनट की ड्राइव पे है। तो ये है कि अगर कभी आपको मौका मिले आप भी इसको ज़रूर जो है वो ट्राई करें, काफ़ी अच्छा इनका टेस्ट है। सीटिंग अरेंजमेंट तो अभी इन्होंने क्योंकि रेनोवेशन की है तो वो पहले से बहुत बेहतर है, फैमिलीज के लिए सेपरेट है और जो जेंट्स हैं उनके लिए सेपरेट है। तो ये जो है व्लॉग अब फाइनली 2019 का जो है लास्ट व्लॉग है, और अब जो अगला व्लॉग आएगा वो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आएगा 2020 में। मेरी तरफ़ से और आदिल भाई की तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। तो हर बार की तरह वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।